लिया, ट्रैफिक की समस्या, पार्किंग की समस्या, अवैध निर्माण की समस्या, मरीन ड्राइव से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर साउथ मुंबई का ये जवेरी बाजार भारतीय ज्वेलरी मार्केट का एक पावर हब है। यहाँ के सिटिंग एमपी की बात करें तो अरविंद सावंत यहाँ की सिटिंग एमपी है, जो 2014 में 48% वोटों के साथ यहाँ पर आए थे, मगर इस बार यहाँ का पॉलिटिकल तापमान काफ़ी गर्म है क्योंकि मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट बिलिन देवरा भी इसी इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर यहाँ के लोकल लोगों की बात करें तो कुछ महीनों पहले हमने देखा था यहाँ पे अरविंद सावंत के मिसिंग पोस्टर तक लगे थे और उनके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है। अगर केंद्र सरकार की बात करें तो ये जो ज्वेलर समाज है वो डीमोनेटाइजेशन से, जीएसटी से काफ़ी उस पर असर हुआ था, बुरा असर पड़ा था। उसके बाद पीएमएल एक्ट में भी बदलाव किए गए थे जिसका भी काफ़ी बुरा असर इन ज्वेलर समाज पर पड़ा था। तो आइए ग्राउंड जीरो पर जानते हैं कि जब ये ज्वेलर्स वोट देने जाएंगे और वोट की लाइन में खड़े रहेंगे तो वे क्या डीमोनेटाइजेशन के दौरान लाइन में जो खड़े थे उसकी भी उन्हें याद आएगी या नहीं आएगी, आइए देखते हैं। तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी है आपके मन में जो लोकल लीडर अरविंद सावंत है उनको लेकर या फिर जो मोदी गवर्नमेंट है उनको लेकर? हाँ, वैसे देखा जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो लास्ट का जो रिजल्ट आया वो बेटर हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ट्रैफिक की है और उसके ऊपर अरविंद सावंत जी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बाकी की जो अवैध निर्माण की है उनके ऊपर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो इसके हिसाब से उनका काम तो निम्न स्तर का रहा है। नोटबंदी हुई, उसके बाद जीएसटी आया, उसके बाद पीएमएल एक्ट में बदलाव हुआ, जैसे आपके बिजनेस पर काफी असर पड़ा। तो जब वोट की लाइन में खड़े होंगे तो आपको डीमोनेटाइजेशन की लाइन याद नहीं आई, जैसे इतनी समस्याएं हुई आपको? 8 नवंबर को जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, काम बहुत अच्छा किया लेकिन प्रॉपर चैनल से नहीं किया था। लोग बहुत परेशान हो चुके थे, लोग भागा दौड़ी में भी थे। जीएसटी आने से धंधा बहुत कम हो चुका है। डीमोनेटाइजेशन उसमें क्या हुआ है मेजर थिंग के लोगों के जो कैश थे वो पूरा चेंज हो गए, जिसके हिसाब से लोगों को एक बहुत बड़ी तकलीफ हुई। अग्रीड, पर अगर देखा जाए तो ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा मूव है। जब आप वोट देने जाएंगे तो आप मोदी वर्सेस राहुल गांधी देखेंगे या फिर मिलिंद देवरा वर्सेस मिस्टर सावंत देखेंगे? अगर अपने पर्सनल पे सोचना है कि भाई मेरा नुकसान हुआ तो हम अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर देश के बारे में सोचना है कि हमारा क्या फ़ायदा हुआ, तो डेफिनेटली लोगों का जो व्यू है, पब्लिक व्यू है, वो मोदी जी की ओर जा रहा है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही देखेंगे, क्योंकि हम अगर 5 साल का देखें तो अभी सरकार देख रही है यहाँ पे सुविधा थोड़ी अच्छी हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ के अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो लोकल्स है, जो ज्वेलर्स है, उनमें जो सिटिंग एमपी को लेकर भारी एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि 5 साल जो समस्याएं थी, पार्किंग की समस्या थी, ट्रैफिक की समस्या थी, वो अभी भी जस की तस है। मगर ज्वेलर्स के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी उसी तरह फेमस बने हुए हैं, या फिर कहें तो उनका जलवा अभी भी कायम है। और जो वोट देते टाइम जो वोटर्स है, जो जवेरी बाजार का ज्वेलर्स है, जो लोकल है, वो नरेंद्र मोदी को ही ध्यान में रखेगा। राहुल कुमार, ET Now, मुंबई।